हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी। तो अगर आप सब्जी खा खा के बोर हो चुके हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक बाउल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए पालक। इसके अलावा मैंने इसमें बारीक कटे हुए आलू डाले हैं और बारीक कटे हुए हरे प्याज, हरी मिर्च लगभग 2 चम्मच के करीब, बेसन लिया है, बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये अजवाइन लिया है मैंने और इसे क्रश करके इसके अंदर डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन से। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसके पकौड़े बना लिए हैं और इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पकौड़े तैयार है बिल्कुल ग्रेवी बनाने के लिए। तो इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल के अलावा मैंने इसमें पंचफोरन डाला है, थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज हमें हल्का सा फ्राई करना है और देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और मैंने लास्ट में ऐड किया है इसमें नमक। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा पानी। और पानी बॉयल होने के बाद हम इसमें डालेंगे जो पकौड़े हमने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये यम्मी सी सब्जी बनकर तैयार है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।